मध्य प्रदेश के रीवा से खबर है, जहां एक मायके में रह रही महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन उससे पहले ही परिजन फांसी का फंदा काटकर महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र खुटेही का है, जहां अपने भाई बहन के साथ रह रही महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के पति की मौत सितंबर माह में हो चुकी है और वो अपने भाई बहन के साथ रह रही थी, लेकिन आत्महत्या किन कारणों से हुई फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। कंचन चतुर्वेदी जी हैं, खुटेही में अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे निवास है इनका। थाने में था, एक फ़ोन आया कि कोई लेडी है जिन्होंने हैंगिंग कर लिया, फांसी लगा लिया है। उस सूचना पर हम तत्काल पुलिस लेकर रवाना हुए और वहाँ जब पता लगाए तो ये हुआ, जानकारी मिली कि उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, जब हैंगिंग से सांस चल रही थी इसलिए अस्पताल ले आए हैं। अस्पताल आ करके देखे तो डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने बताया कि ब्रॉड डेड ड्यू टू हैंगिंग, ऐसा नोट मिला है। तो बॉडी अभी मर्चरी में शिफ्ट की गई है, लिखा पढ़ी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है और अभी प्रारंभिक रूप से इतनी ही जानकारी है। कौन भर्ती कर लिया गया है, पहचानों पर उनके भाई हैं, लड़की जिनकी डेथ हुई है उनके पति डॉक्टर जितेंद्र पांडे की हार्ट अटैक से 1/9 को डेथ हो गई थी, 1 सितंबर को। तो अभी वो अपने भाई और बहन के साथ ही रहती थी, उनके साथ में उनकी भाई, सगी भाई और सगी बहन थे और वही यहाँ मिले हैं। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम कंचन चतुर्वेदी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।